वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। हेलो गाइस, आई एम अनंजय रेड्डी एंड आई एम अ नीट एस्पिरेंट। मैं 2020 नीट एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। अभी श्योर नहीं है कि दे पाऊँगा या फिर नहीं दे पाऊँगा, और अगर दे भी दिया तो मतलब नीट और जेई मेन के बाद कोई और एग्ज़ाम जो है ना, कोरोना टेस्ट, वो एग्ज़ाम भी मेरे को देना पड़ेगा। तो बहुत सारे टेस्ट है अभी, तो कुछ बात करते हैं मेरा। तो मैंने एम्स के बारे में कुछ बताना, तो एम्स हर साल बीएससी एग्जाम देता है, बीएससी एग्जाम, बीएससी फॉर पैरामेडिकल, बीएससी फॉर नर्सिंग। तो नर्सिंग तो मतलब गर्ल्स स्टूडेंट के लिए है, तो मैंने बीएससी पैरामेडिकल फिलअप किया और एग्जाम था 21 अगस्त को, मेरा एडमिट आया 16 अगस्त को। और 16 अगस्त में मैंने जो फर्स्ट सेंटर चॉइस किया था वो मेरे घर से 80 किलोमीटर दूर था, वो तो वही है। तो उसके पहले कोई एग्जाम सेंटर नहीं था 80 किलोमीटर दूर, आसनसोल था, उसमें भी ये मेरा आया है। तो मेरा अभी देख सकते हैं कि यह है मेरा एडमिट, मैं ये एडमिट दे दूंगा अभी ऊपर। हाँ, ये दीजिए, यह है एडमिट और मैं उसमें आया था। पर चीज़ ये नहीं था कि मेरा 80 किलोमीटर दूर आया था, वहाँ पे कोविड था। बात यह था कि उस दिन लॉकडाउन था, 21 अगस्त लॉकडाउन था वेस्ट बंगाल में, और दो दिन से बहुत जोर की बारिश हो रही थी। तो मैंने जब बोला कि यहाँ पे मैंने पर्सनल गाड़ी करने को फ़ोन किया था, तो इतने ज़्यादा बारिश में पहले तो नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम था, तो वो बात नहीं है कि कोई तो पहले राजी होने नहीं हो रहा था। और ये बात भी है कि आप एग्ज़ाम ले रहे हो इतने बड़े मतलब ऑर्गेनाइजेशन एम्स है, तो लॉकडाउन के दिन एग्ज़ाम, मतलब स्टूडेंट जाएगा कैसे एग्ज़ाम देना, लॉकडाउन है उस दिन। और बहुत जोर की बारिश, ये देखिए, मैं बारिश पहले दे देता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। लोगों ने बारिश देख लिया, तो इतने बारिश में कोई क्यों कहेगा कि मैं जाता हूं, और उसको मतलब जाना क्यों है 80 किलोमीटर दूर जहां पे कोविड है। मतलब पहले तो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल आपने नहीं किया, फिर आपने एग्जाम ले लिया, और फिर जो मैंने पहले दिन उसके मेल करके जब मैंने बताया था, तो मेल में क्या रिप्लाई आया कि एडमिट कार्ड हैज बीन इशूड एंड वी डजंट चेंज योर एग्जामिनेशन सेंटर। और फिर आया कि कर्फ्यू पास, एग्जाम एडमिट कार्ड एक्ट था कर्फ्यू पास। तो अगर ट्रांसपोर्ट आप अवेलेबल नहीं करते, तो मैं क्या कर सकता था कि जाके कोई अगर अवेलेबिलिटी होता तो एक पर्सनल कार या फिर ऐसा कुछ बोल देता। पर बात ये नहीं है, बात यह है जो स्टूडेंट अभी मान लीजिए कि लोअर मतलब इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग नहीं है, वो क्या करते, क्या उनको एग्जाम देने का कोई हक नहीं है, पहले आप ये बताइए। तो आप तो मतलब ये कर रहे हैं कि आप पहले बताते थे, बहुत सारा ट्रेंडिंग होता था कि इतने इतना कम इकोनॉमी फिर भी नीट क्रैक कर लिया, एम्स क्रैक कर लिया, रैग पिकर्सन क्रैक एम्स, ऐसा कुछ बहुत सारे आते थे, बहुत बहुत क्या कहते हैं उसको, न्यूज़ आता था। फिर आप लोग बोलते हैं कि हमने नेशनल अभ्यास टेस्ट ऐप किया। अब एक पोल करना कि किसने सारा टेस्ट दिया, 99% जो बोलते हैं डेटॉल, इतने एग्जाम्स को क्लियर कर दिया, उतना वोट आएगा कि हमने पूरा टेस्ट नहीं दिया। अब बोलेंगे तो नहीं दिया तो इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, हमने तो ऐप लॉन्च कर दिया था। नेटवर्क बिहार यूपी और बहुत सारे जो गुजरात आसाम वेस्ट बंगाल, बाढ़ आ गई है, फ्लड आ गई है, तो वो क्या करे, नेटवर्क बहुत जगह पे डिस्टर्ब हो रहा है, तो क्या करे, करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या। आप खुद वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि स्कूल ओपन कर दीजिए, डॉक्टर ने पीपी जो पहन के किया था तब भी तो कोरोना हो रहा है। अमित शाह जी जो इतने बड़े टॉप के लीडर है, उसको भी तो, उनको भी तो कोरोना हुआ है, तो वो क्या कम सिक्योरिटी में रहते हैं,
वो आप जो एसओपी बनाते हैं ना उसके 5 गुना एसओपी वो फॉलो करते हैं। और आशीष चंचला मनी भी एक वीडियो में बताया था कि उनके सारे घर में भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, एक छोटा सा लड़का जो 10 साल का जो एक्टिंग करता तो वो भी हो गया है, तो वो हो गया। उन्होंने सारे मतलब इतने सारे लोग अब कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत सारे डेथ हो रहे हैं, 20 स्टूडेंट ने डिप्रेशन से सुसाइड कर लिया। इतने ज़्यादा बैड कंडीशन में आप जिंदगी से खिलवाड़ करने की एग्जाम क्यों ले रहे हैं? आप एक पोल कर दीजिए तब देखेंगे। अभी जो पोल सब चल रहे हैं तो उसमें 87%, 89%, 90% के ऊपर बोल रहे हैं पोस्टपोनमेंट। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सबकी बात सुनने के लिए ये देश आगे आया है। तो अब जब सब बोल रहे हैं, 3 मिलियन प्लस ट्वीट हो रहे हैं, तो अब सब सुन नहीं रहे, तो अब इसमें आप क्या बताएं इसके बारे में? जो सिचुएशन एम्स के एग्जामिनेशन में हुआ वो तो बहुत एग्जामिनेशन में भी हो सकता है ना। लॉकडाउन बहुत स्टेट में है, बिहार में सुना था कि 6 सितंबर को है, तो ये तो हो सकता है ना कि वो भी एग्जाम, मेरा जो सिचुएशन हुआ वो नीट में भी हो सकता है। तो प्लीज पोस्टपोन कर दीजिए, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट नॉट अ प्रोटेस्ट टू। एंड जो कॉन्टेमिनेटेड जोन में है, जो स्टूडेंट अभी आए हैं बाहर से, मतलब क्या कहें, उनको कोरोना पॉजिटिव है, तो वो क्या करे? उनका प्रेशर अभी आप समझ नहीं सकते। अगर समझते तो आप ऐसा नहीं कर सकते सर, अभी भी एग्जाम नहीं लेते, अगर आप समझ सकते हैं तो। और मतलब एग्जाम देने को हम नहीं डर सकते, हम डर नहीं रहे हैं एग्जाम से। आप नीट का पेपर हार्ड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एग्जाम इस सिचुएशन में मत लीजिए। अगर हो जाए ना तो बहुत बुरा होगा, मतलब बहुत कोविड केस बढ़ जाएगा। एक स्टूडेंट चिल्ड्रन वो लडला है घर पर पूरे परिवार का, आपने ही बोला था, आपने ही बोला था कि कोविड को इतना सीरियसली आप मतलब सीरियसली लो, इतना हल्के में मत छोड़ो। तो अभी जब 3,000 केस था तब आपने नहीं लिया, जब 3 लाख केस था तब आपने नहीं लिया, जब अभी बोल रहे हैं कि जब इतने सारे केस हो गए हैं 70,000 पर डे, तब क्यों एग्जाम ले रहे हैं सर, क्यों? बहुत स्टूडेंट कह रहे हैं कि उनका पेरेंट्स को ये बीमारी है, वो बीमारी है। एक जो लड़का जिसका स्पेक्टिकल्स है वो कैसे मार्क्स पहन के एग्जाम देगा, कैसे? जिनको अस्थमा है, मेरे को भी अस्थमा है, पहले था जब मैं छोटा था, तो जिनको अभी भी है वो कैसे, वो अनकम्फर्टेबल फील नहीं करेगा? जिस एग्जाम में 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करना होता है, जिसका जब स्पीड एक्यूरेसी, जिस एग्जाम के बारे में सब बोल रहे हैं जेई में नीट, तो इस स्पीड और एक्यूरेसी में अगर वो अनकंफर्टेबल फील होगा तो क्या स्पीड नहीं कमेगा, क्या स्पीड नहीं घटेगा? आप ही बताइए, आप ही बताइए क्या करें हम। और एग्जाम देने को हम नहीं डरते, हम फिर से कहते हैं, और प्लीज सर, इट्स अ रिक्वेस्ट कि जैसे हम बोलते हैं ना कि एबीए, एस्कर्बिक एसिड, और भी एबीए के फुल फॉर्म में अप्लाइड बिजनेस एनालिसिस, ऐसा कुछ 20, इनको सर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में रखने दीजिए, नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी में मत बदलिए। स्टूडेंट मतलब क्या चल रहा है आप नहीं समझ पाए हैं, अगर समझ पाए तो आप पोस्टपोन नहीं करते। जो चल रहा है वो ना हम आपको समझ जा पाएंगे और ना आप समझ पाओगे। मैं नहीं बात करूंगा वो स्पॉन्सरशिप के बारे में, वो कोचिंग माफिया के बारे में मैं नहीं बात करूंगा। एक बात ही सर मैं आपको अभी बताना चाहूंगा सर, डिटॉल या सैनिटाइजर वो भी नहीं कहते कि हम 100% जर्म्स को मार देंगे, 99.9% जर्म्स को हम मार देंगे सब बोलते हैं, 99% को मार देंगे, पर 1%, आप सोचिए 20 लाख स्टूडेंट में अभी 1%, 20,000 स्टूडेंट, ये 20,000 स्टूडेंट सब जब घर में जाएंगा, जब उनके सारे ग्रैंड पेरेंट्स से मीट करेगा सब, मतलब हेल्थ मिनिस्टर ने भी बोला कि डॉक्टर आरपी निशंक ने सर ने भी बोला कि ये एक छोटा बच्चा, ये तो घर का सबके लाडला है, तो सब उसको बुलाएगा, ये तो मतलब नेचुरल है। तो अगर तब कोरोना ट्रांसमिशन हुआ, और तब हुआ नहीं, होगा जब होगा तब, मतलब उनके जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कोई मर जाए तो उनका जिम्मेदारी कौन लेगा? ये नंबर नहीं है कितना नंबर लोग मर गए, जिसके घर में एक लोग मर जाता है ना वही सोच सकता है कितना दर्द क्या होता है। मैंने सोचा कि बिहार, मैंने सुना कि बिहार में भी 6 सितंबर तक लॉकडाउन है, तो अब जो मेरे साथ सिचुएशन हुआ कि मैं ट्रांसपोर्ट के अवेलेबिलिटी से नहीं जा पाया, तो
वही सेम सिचुएशन बिहार में नहीं होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है ना। और स्टूडेंट अगर ये नीट और जेई एग्जाम देते हैं तो दूसरे दिन उनको एक और एग्जाम देना होगा, वो कोरोना टेस्ट, वो एग्जाम भी देना पड़ेगा और बहुत उनके पॉजिटिव मार्क्स आएगा, वो पास करेंगे एग्जाम। और मैं कुछ नहीं और बोलूँगा इसके, थियोरेटिकली तो सब कुछ पॉसिबल है पर प्रैक्टिकली करना, मैं देखा कि आप लोगों ने जो SOP बनाए वो बहुत अच्छे बनाए, तो देखते हैं अगर हम अगर आप करते हैं हम भी मानने की कोशिश करेंगे। और मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मानिएगा और पढ़ लीजिए अभी, और कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ कर नहीं सकते हम रिक्वेस्ट के अलावा। और आप एक काम कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता चलना चाहिए कि उनका व्यू क्या है। मतलब मेरा व्यू मैंने बताया, आप लोगों का व्यू आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे आप लोगों ने शेयर किया, तो मैं मतलब एक और चीज़ आप लोगों को मतलब उठा के आपके व्यूज बताऊंगा। तो होप यू ऑल विल गाइज लाइक इट। सो मैं लाइक शेयर मतलब लाइक और सब्सक्राइब ये नहीं मांगूंगा, मैं एक चीज़ मांगूंगा कि आप इसको शेयर जरूर करना। मतलब सबको पता चलना चाहिए कि अभी सिचुएशन क्या है, सबको पता चलना चाहिए। बाय। इफ गवर्नमेंट सपोर्ट द स्टूडेंट, स्टूडेंट विल ऑल्सो सपोर्ट द गवर्नमेंट। प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज पोस्टपोन नीट एंड जेई मेन एंड मेनी अदर्स एग्जामिनेशन। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द नीट एंड जेई मेन, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द एग्जामिनेशन। प्लीज पोस्टपोन इट सर, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ द स्टूडेंट टू यू। एंड माई अनदर रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज शेयर इट प्लीज, इफ गवर्नमेंट विल हियर इट। मैं जानता हूँ गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है, पर अगर बहुत ज़्यादा शेयर होगा तो बहुत मतलब ट्वीट में भी जाएगा और बहुत चीज़ हो सकता है, हो कुछ भी सकता है। ऐसे बहुत लोगों ने विनोद 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 करके इतना फेमस कर दिया विनोद को कि पता नहीं, मैं फेमस होना नहीं चाहता, सिर्फ मेरा वॉइस गवर्नमेंट तक रीच करे। आई थिंक आई हैव टोल्ड ऑल द जेन्युइन प्रॉब्लम्स एंड गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन इट। सो ऑल द बेस्ट टू 2020 एस्पिरेंट एंड 2021, डोंट ओवरथिंक, जस्ट कीप ऑन स्टडी, स्टडी हार्ड, फाइट हार्ड, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम नीट एंड IIT मद्रास। बाय।